मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में मैंने आपको सबट्रैक्शन सिखाए थे, आज भी हम सबट्रैक्शन ही करेंगे। कल हमने किए थे सबट्रैक्शन विद फिल इन द बॉक्सेस, हमने जो ब्लैंक बॉक्सेस दिए थे उसमें हमने नंबर फिल किए थे, वो सबके समझ में आए थे कि किस तरीके से मैंने आपको सिखाया था कि हम अगर ब्लैंक बॉक्स हो तो उसमें हम नंबर कैसे फिल करते हैं, वो सबको समझ में आया था। आज हम करेंगे, मैंने आपको पहले भी आपको सिखाया था मैंने कि अगर हमारे पास एक लाइन में टू नंबर्स हैं तो हम उन्हें कॉलम में कैसे अरेंज करेंगे। तो आज का भी है हमारा कि हमारे पास नंबर्स हैं, हमें पहले तो उन्हें कॉलम में अरेंज करना है, हमें बताना है कि उनमें कौन सी डिजिट हमारी ग्रेटर है। मीन्स अगर दो हमारे पास नंबर है तो कौन सा हमारा उनमें ग्रेटर नंबर है एंड कितने नंबर से बड़ा है ये भी हमें साथ में बताना है। तो वो हम कैसे बताएंगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 3, 2, 1, 7 एंड 6, 2, 2, 5। ये हमारे टू नंबर्स है, हमें आगे में ये देखना है कि हमारा कौन सा ग्रेटर नंबर है, विच वन इज ग्रेटर नंबर। उस ग्रेटर नंबर को हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे, देन हम नेक्स्ट कॉलम में। तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, मैंने आपको ग्रेटर नंबर कैसे वो कैसे हम पहचाने कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। फर्स्ट नंबर को हम सबसे पहले मैच करेंगे, हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा बड़ा है, ये हम 6 है, ये 3 है, तो हमारी 6 वाली डिजिट बड़ी है, मींस ये हमारा ग्रेटर नंबर है। तो हमने इसे फर्स्ट कॉलम में रखा 6, 2, 2, 5 एंड देन 3, 2, 1, 7। अब हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 7 माइनस होगा, नहीं होगा, हमने 1 बोरो किया, ये होगा 15। 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 3 3। क्या है हमारा आंसर, 3008। अब हम इसे आंसर में कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने पूछा है ना विच वन इज ग्रेट एंड हाउ मच, तो हम इसे कैसे करेंगे। फर्स्ट हमारी डिजिट है 3, 2, 1, 7, यहाँ एंड लिखा हुआ है, एंड की जगह पर हमने स्पेस छोड़ा, उसके बाद 6, 2, 2, 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप सिंबल बनाते हो ग्रेटर एंड स्मॉलर के, सिंबल बनाते हो ना, तो वैसे ही हम इसका सिंबल बनाएंगे। अब ये वाली डिजिट तो हमारी बड़ी है, ये तो हमें पता चल गया, पर कितने नंबर से बड़ी है तो वो भी हमें बताना है बाय 3008। हमारी जो ये वाली नंबर, ये वाला हमारा नंबर है, वो कितने नंबर से बड़ा है, 3008। ये नंबर हमारा छोटा है, स्मॉलर नंबर है। अब आपको समझ में आया कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारी ग्रेटर डिजिट कौन सी है एंड कितने नंबर से वो हमारी बड़ी है। चलिए जल्दी से नोट करिए। Yeah,
ग्रेटर का सिंबल बना दिया। अब हमें ध्यान रखना है हमारी कौन सी वाली डिजिट बड़ी है, ये वाली। अब हमें ये बताना है कि कितने नंबर से बड़ी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्मॉलर जो हमारी डिजिट है उसके काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे कितने हैं, 9। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यहाँ तक तो हमारे कितने इसके इक्वल ही हो गए, ये 9 ये 9। अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाली डिजिट अब ये हमारे नंबर्स कितने डिजिट से भरे हैं, 7। तो हम अब कैसे लिखेंगे इसे, ये देखो हमने ये सिंबल को बना दिया यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे 5 7। मीन्स जो हमारी डिजिट बड़ी है वो कितने नंबर से बड़ी है, 7 नंबर से। इसमें 7 बॉल्स ज्यादा है ना हमारी, तो 7 बॉल्स ज्यादा है मीन्स तो 7 नंबर से बड़ी है। आ गया सबके समझ में आप,
Tomorrow we will start exercise 5.4.